देखिए भैया, मैं तुलदक्ष आज आपकी रीजनिंग की वीडियो लाया हूँ। सबसे पहले चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल सेक्शन। इसमें मैंने कल आपको पूरी वर्णमाला बताई थी, उसमें दाहिने से बाएं से पोजीशन याद होनी चाहिए। और मान लिया अगर आपको लेफ्ट से वर्णमाला की पोजीशन याद है तो राइट से निकालना हो तो 27 में से घटाकर याद रखें, मतलब आपको पोजीशन सबको याद होनी चाहिए। दूसरा, फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ए बी सी डी को सीधा लिख दिया जाए यूजल क्रम में, क्रम अनुसार ए से जेड तक, तब क्वेश्चन बना था। पर पहले अर्धांश को उल्टा लिख दिया तब बना था, दूसरे अर्धांश को उल्टा लिख दिया तब बना था, और पूरी अंग्रेजी बनवाने को उल्टा लिख दिया तब पूरा बनेगा। ठीक, कितने अक्षर हैं, कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो जितना मैंने कल पढ़ाया था पहले उस पर मैं थोड़ा काम करा दूँ, उसके बाद में फिर मैं अपने से भी खुद पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए अंग्रेजी पढ़वाला में बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 9वें स्थान में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बेसिक से ही बताऊंगा और कुछ शॉर्ट में ही बताऊंगा। तो शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं आप, देखिएगा, देखिए नोट लिख लेते हैं पहले। लेफ्ट अगर से कोई बोल दे 11वां, बाएं से 11वां, और दाहिने से पांचवा कौन सा अक्षर होगा। तो एक लेफ्ट हो एक राइट हो जुड़ जाती है पोजीशन, जुड़ के कितना हो जाएगा 16, और 16 नंबर पर क्या होता है पी, 16 नंबर पर क्या होता है पी। दूसरा, लेफ्ट से 11 राइट से पांचवा तो क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए, लेफ्ट अगर दोनों एक जैसे हो तो घट जाएंगे, बाईं से क्या हो जाएगा ये 6वां, 11 में से 5 गया 6। फिर मैं बोल दूं राइट से 11, लेफ्ट से 11, लेफ्ट से 5 तो क्या हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा 16, और राइट 16 को हम लिख सकते हैं लेफ्ट 11, और 11 को हम बाएं से 11वां क्या होता है के, जैसे होता है एफ। ठीक, अगर ये दोनों एक से होते हैं राइट 11 राइट 5 राइट 6, एक दोनों राइट हैं तो इसे हम चेंज कर लेंगे, एल 27 में 6 गया 21, और ये हो जाएगा यू। थोड़ी जानकारी के लिए मैंने आपको बात बताई, अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला पूरी नहीं लिखनी और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो जल्दी से तो आपको ये वाली बात थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन कौन से, देखिएगा, बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर जो होगा, एक एल है एक आर है, दोनों जुड़ेंगे पोजिशन, जुड़कर कितना हो गया 16, बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है पी, आपको पता है। बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 6वां अक्षर होगा, और बाएं से 6वां अक्षर क्या होता है एफ, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो घट जाएगा, घट के कितना हो गया बाएं से 6वां अक्षर। राइट से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, एक राइट एक लेफ्ट जुड़कर हो गया 16, दाहिने से पोजीशन हमें याद ना हो तो 27 में तो घटाया, 27 में तो घटाया तो क्या होगा बाएं से 11वां अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है के, के हो गया। ठीक, उसके बाद दाहिने से 11वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर दोनों एक जैसे घटेंगे, घट के कितना हो गया 6, दाहिने से 6वां अक्षर हमें पता नहीं है तो हमने बाएं से घटने के 27 में घटाया तो बाएं से 21वां अक्षर कितना हो गया यू हो गया। ठीक है जी, इतनी बात आपने याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी नहीं पड़ेगी और चेक करनी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ता हूँ। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर
अंग्रेजी वर्णमाला ना तो उल्टी बोली ना सीधी बोली, ना पहला अर्धांश उल्टा बोला ना दूसरा अर्धांश उल्टा बोला, सिर्फ ये बोला कि इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला सीधी सीधी लिखी हुई होगी। तो बाएं से तेरहवें अक्षर के बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो दोनों लेफ्ट एक जैसे हैं, लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या करेंगे, घट जाएगा, घट के क्या हो गया चार, और चार नंबर पर क्या होता है डी, चार नंबर पर क्या होता है डी होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया डी दूसरा आंसर। अब अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला पूरी लिखेंगे, देखो ऐसे करके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये राइट है। बाएं से तेरहवें अक्षर, बाएं से तेरहवां अक्षर क्या होगा हमारा एम होगा, चाहे गिन लो, बाएं से तेरहवें अक्षर, बाएं से तेरहवां अक्षर क्या होगा एम हो गया। के बाएं, के बाया इसका बाएं इधर को होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ आया डी। आपको अगर वैसे करना होगा तो अंग्रेजी बनवाना लिख कर चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आ गया डी। उसके बाद देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो दाएं से सातवें अक्षर के बाएं ग्यारहवां अक्षर कौन सा होगा? एक तरीका तो वही है कि आप प्रथम अर्धांश को उल्टा कर लो। प्रथम अर्धांश को उल्टा करने का मतलब है, प्रथम अर्धांश को उल्टा करने का मतलब है देखिएगा, हमने लिखा प्रथम अर्धांश यानी प्रथम अर्धांश एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, प्रथम अर्धांश को मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे, उसके बाद देखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये राइट हो गया। ठीक, अगर हम बेसिक से करना होगा तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, उसके बाद में चेक करना पड़ेगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से सातवें अक्षर, दाएं से सातवें अक्षर, दाएं से सातवें अक्षर चेक करेंगे आप, दाएं से सातवें अक्षर एक दो तीन चार पाँच छः सात, दाएं से सातवें अक्षर ठीक है लिखा जाता है, दाएं से सातवें अक्षर के बाएं ग्यारहवां अक्षर, इसका बाया इधर कोई तो होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ई हो गया, कौन सा होगा, कौन सा होगा? तो आंसर आ गया आपका ई होगा। ठीक, ये तो हो गया आपका बेसिक। अगर आपको इसको शॉर्ट में करना चाहते हो तो वो देखिए, देखिएगा तो हो गया बेसिक, लिखा और चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम इसको प्रथम अर्धांश उल्टा हो, देखिए बाएं से सातवें अक्षर के बाएं ग्यारहवां अक्षर, ठीक, तो ये क्या होगा देखिए, इसमें बाएं से सातवें अक्षर के बाएं ग्यारहवां अक्षर कौन सा होगा? दोनों एक जैसे हैं तो घट के आएगा बाएं से, ये बचेगा आपका चार, माइनस का चार, माइनस का चार, ठीक ठीक है। और ये क्या है, प्रथम अर्धांश उल्टा है, फर्स्ट अर्धांश सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए पहला अर्धांश उल्टा है, पहला अर्धांश उल्टा है, चलो इसे बेसिक से इससे फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी रहने दो, बेसिक से ही कर लो सारे। चलो देखिए
बेसिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आसान क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, और अगर पूछे जाए तो बेसिक से ही कर लेना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर को क्या होगा? तो देखिए, पहले अर्धांश को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले अर्धांश में कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला अर्धांश यानी ए से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड राइट, ठीक है। अब इसमें बोला था कि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो हमें द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखना है। तो देखिएगा, जेड वाई डब्लू सॉरी एक्स डब्लू बी यू टी एस 19 18 क्यू 17 और पी 16 ओ एन, ये हो गया, ठीक है। द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया। उसके बाद देखिए, उसने बोला लिख दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठवें अक्षर क्या होगा? आंसर आ गया भाई, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से ग्यारहवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम तथा द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से ग्यारहवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है, देखिएगा, देखिए प्रथम और द्वितीय दोनों को लिख दिया, यानी एम एल के जे जे आई आई एच जी एफ ई डी सी डी ए जेड वाई एक्स डब्लू बी यू टी एस 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 और आर क्यू 17 क्यू हो गया क्यू पी ओ एन राइट, और ये आपका लेफ्ट, ठीक। देखिए, पहले अर्धांश यहाँ से यहाँ तक, द्वितीय अर्धांश यहाँ से यहाँ तक उल्टा कर दिया। अब आपसे पूछा कि बाएं से ग्यारहवें अक्षर, बाएं से ग्यारहवें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, बाएं से ग्यारहवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर के दाएं, इसका दाएं छठवां अक्षर, एक दो तीन चार पाँच छः डब्लू डब्लू हो गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चॉकलेट के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया सकता है? तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है वो देख लेंगे, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो इस शब्द का प्रयोग करके निम्न ऑप्शनों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है तो वो देख लेंगे, टी डबल ई एल टेल टी डबल टी ई डबल एल, तो डबल एल इसमें है नहीं तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डबल एल है नहीं, एक ही एल है, ठीक। उसके बाद हेल्थी, हेल्थी देखेंगे एच ई ए एच ई ए एल टी एच, ठीक, एच ई ए एच भी है, ई भी है,
और ए भी है, एल भी है, और टी भी है, और एच भी है। दो एच नहीं है इसमें, इसमें दो एच दे दिए, तो ये भी शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब एल ए टी ई देख लेते हैं भैया, एल ए टी ई ये तो इससे बनी जाएगा, तो ये इसका इस शब्द से एल ए टी ई शब्द बनाया जा सकता है। ओके नेक्स्ट ये देख लेते हैं कॉलर, इसमें सी है, डबल ओ है, एल भी है, ई भी है, आर नहीं है, इसलिए शब्द नहीं बनाया सकता। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन है ये, कौन सा बनाया जा सकता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, उसके बाद देखिए भैया, उसके बाद देखेंगे एडल्ट्रेशन के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो पहला देख लिए, पहला देखिएगा भैया, पहला बनता है नहीं बनता, रिटर्न, आर ई आर ई टी यू आर एन, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। रिटेल, आर ई टी ए आई एल, ये भी बन जाएगा भैया। ठीक, उसके बाद टॉयलेट, टी ओ आई टी ओ आई एल ई टी, ये भी बन जाएगा भैया। रिलेशन, आर ई एल आर ई एल ए टी आई ओ एन, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो ये रिटर्न भी बनना है, आर ई टी यू आर एन यू आर एन, रिटेल भी बन रहा है, आर ई टी ए आई एल, रिटेल भी बन रहा है, टी ओ आई एल एल ई डबल टी, टी भी बन रहा है। रिलेशन, आर ई एल आर ई L R E L A A T I O N, ये भी बन रहा है, नहीं बना सकता, सभी बन रहे हैं। ठीक है, एक बार चेक करता हूँ दोबारा, R भी है, R भी है, E भी है, T भी है, U भी है, R भी है, दो आर नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा आंसर। ये इसमें दो आर नहीं है, इसमें दो आर है, ये नहीं बनेगा। तो पहला आंसर, ये सब गलत है। तो क्या हो गया, आर ई टी यू आर एन, ये आंसर आएगा। क्यों नहीं बना सकता, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें दो आर है, ये नहीं बनेगा, एक आर होना चाहिए था। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए रिप्रेजेंटेशन, शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षरों को आपस में अदल बदल दिया कर दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ अक्षरों को आपस में अदल बदल कर दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद दाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इस शब्द को हम लिख लेंगे जैसे इन्होंने बोला वैसे लिख लेंगे, ई आर, फिर ई आर हो गया, फिर आर पी, उसके बाद एस ई, उसके बाद एन ई, उसके बाद ए टी ए टी, फिर आई टी आई टी, फिर एन ओ, ये लेफ्ट और ये राइट। तो परिवर्तन के बाद दाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा होगा, दाएं छोर से सातवां अक्षर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, क्या होगा, दाएं छोर से सातवां अक्षर ई होगा, ई आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंथ ही देख करके छोड़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है भैया और तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए
लेथर्जिक में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है, ध्यान से आप इसको देखेंगे। देखिएगा, देखिए एल ई टी एच ए आर जी आई सी एक शब्द है, इसमें बताना है कि कितने अक्षर युग्म बनना संभव है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आते हैं। तो देखिएगा एल है तो एल से शुरू कर लेते हैं भैया, जैसे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इससे कोई नहीं बना। अब ई से शुरू करते हैं भैया, ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं बना। फिर टी से शुरू करते हैं, टी यू बी डब्लू एक्स वाई जेड, नहीं बना। एच आई जे के एल एम, नहीं बना। ए बी सी डी ई, नहीं बना। आर एस टी यू, नहीं बना। जी एच आई, नहीं बना। आई जे, नहीं बना। सी, नहीं बना। तो देखिए सीधे सीधे क्रम में कोई भी अक्षर युग्म बनना संभव नहीं है। एक बार फिर देख लो, एल एम एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं बना। ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं बना। टी यू बी डब्लू एक्स वाई जेड, नहीं बना। एच आई जे के एल एम, नहीं बना। आर एस टी यू, नहीं बना। जी एच, नहीं बना। आई जे, नहीं बना। नहीं बना, ठीक, ये नहीं बना। अब इसको बैक से देखते हैं, सी डी ई, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, नहीं बना। इधर से भी नहीं बना, सी से आई जे के एल एम एन ओ पी, नहीं बना। जी एच आई जे के एल एम, नहीं बना। आर एस टी यू बी डब्लू, नहीं बना। ए बी सी डी ई, नहीं बना। एच आई जे के, नहीं बना। टी यू बी, नहीं बना। ई एफ, नहीं बना। ठीक है, तो इसमें कोई भी अक्षर युग्म बनना संभव नहीं है, कोई भी अक्षर युग्म बनना संभव नहीं है। एक बार फिर चेक करते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, जो मुंह से निकला वो होना चाहिए, तब बनेगा अक्षर युग्म, नहीं बना। ई एफ जी, ई एफ जी एच आई जे के, ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं बना। टी यू बी डब्लू एक्स वाई जेड, नहीं बना। ए बी सी डी ई, नहीं बना। आर एस टी, नहीं बना। जी एच आई, नहीं बना। आई जे, नहीं बना। सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आई जे के एल एम एन ओ पी, R S T U V W A B C D E H I J K T U V E F, नहीं बना। कोई भी अक्षर युग्म बनना संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए भैया, देखिएगा निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आए दिन परीक्षा में पूछा जाता है। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, तो ध्यान से देखेंगे भैया। देखिए अब इसमें क्या है, इन सभी शब्दों में जो आपके लिखे हुए हैं, इसमें ए एम है, इसमें ए एम है, इसमें ए एम है, और इसमें ए एम, ए एन और ए एन है, ठीक। तो भैया इसमें एक बात सुन लो, ये अच्छा, इसमें ए एन आई है, इसमें ए एन आई है, फिर एम है, फिर एम है, फिर ए है, फिर ए है, और इसमें टी है, और इसमें एल है, तो सबसे बाद में चार आगा, पहले दे देखो, तो सबसे बाद में चार एक ही ऑप्शन में है, तो ये आंसर होगा। थोड़ा सा रीजनिंग है तो दिमाग लगाया करो, ऑप्शन देखा करो और फटाफट आंसर कर दिया करो। तो देखिए
ये तो दोनों बाद में आने हैं, तो सबसे बाद में कौन सा आएगा? इसमें ए एन आई एम ए टी आई ए है, इसमें एल है और इसमें टी है, इसमें एल है, इसमें टी है और इसमें एल है। तो देखिए सबसे पहले, सबसे लास्ट में जो आएगा चार आएगा, तो चार किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है लास्ट में चार, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। ये तो हो गया आपका शॉर्ट में, बाकी बेसिक से देखिए नहीं मिलता ऑप्शन ऐसा जिसके अंत में चार है, दो ऑप्शनों के अंत में चार है, तो फिर तो आपको बेसिक से करना ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे करना, ठीक है जी, देखिए तो इसमें आपका आंसर सी होगा। देखिए कैसे, इनमें देखिए ये और ये और ये, इनमें से कोई आएगा पहले, इसमें ए एम बी आई है, इसमें एम बी आई है, ठीक है। देखिए ए एम बी आई और ए एम बी आई, इसमें तो इसमें तो टी आ रहा, ये तो बाद में आएगा तीसरे नंबर पर, ठीक, पहले नंबर पे ये आएगा और ये आएगा। तो देख लेते हैं भैया, ए एम बी आई जी, ए एम बी आई जी, फिर यू भी है, इसमें भी यू है और इसमें भी यू तक है, उसमें ओ है और इसमें उसमें ओ है, इसमें आई है, तो भैया तीसरे नंबर का ये सबसे पहला आएगा, तो तीन लिख दिया। दूसरे नंबर पर दो आएगा और ये तीसरे नंबर पर तीन, यहाँ एक आएगा, ये तीसरे नंबर पर एक आएगा, उसके बाद इसमें और इसमें आपने चेक कर ही लिया था, यहाँ पाँच आएगा और ये चार आएगा, तो बेसिक से ऐसे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखेंगे भैया, निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में शब्दों का जो क्रम होता है उसके अनुसार व्यवस्थित कर, दाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो देखिए तीसरे स्थान पर बताना है कौन सा आएगा। देखिए आर आई आर ई, देखिए आर ई इसमें है, आर ई इसमें है और आर ई इसमें है और इसमें यू वाला है, तो बाद में आएंगे, ठीक है। ई वाले में एम है उसमें, और इसमें टी है और इसमें बी है, तो एक नंबर पे आएगा, ये एक नंबर ही आएगा। दूसरा नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए, इसमें बी है और इसमें टी है, तो दूसरे नंबर, इसमें दूसरे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, और तीसरे नंबर पर क्या आएगा, ये आएगा, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। शब्दकोश अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना था, तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए भैया, निम्नलिखित दिए गए शब्दों को अंग्रेजी के शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, आप सही विकल्प का चयन करें, आप सही विकल्प का चयन करें सिक्स तक, ठीक है। आपको सही विकल्प का चयन करना है, एल आई है, इसमें ए है और इसमें यू है, इसमें तो एक नंबर पे तो ये आना, ये आएगा सबसे, एक नंबर पे तो ये आना ही आना। तो तीन से शुरू होने वाला विकल्प कौन सा है? सभी विकल्प लगभग तीन से शुरू है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक। उसके बाद एल ओ एल यू से, यहाँ ई से, तो भैया दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, तो एक दो तीन छः, तीन छः से शुरू होता है हमारा, दो ऑप्शन हो रहे हैं अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर यू है, उसमें ओ है, फिर तीन छः चार, तीन छः, देखिए इसमें ओ है और उसमें एल ओ है, इस ए है, तो देखिएगा इसमें क्या आएगा, तीन छः, उसके बाद में तीन छः, ये आएगा तीन छः, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आएगा तीन छः एक, तीन छः एक, तीन छः एक, उसके बाद में तीन छः एक, फिर चार आएगा, ये चार नंबर पे चार ही आएगा, तो हमारा बी विकल्प, ये सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिएगा इसमें भी ऐसी बताना है कौन सा क्रम व्यवस्थित होगा, सेलेक्ट सेल्डम सेंड सेल्फिश सेलर, ठीक है। तो देखिए इसमें एस ई से शुरू होते हैं, एस ई तो, एस ई से तो सभी शुरू हो रहे हैं, ऐसे एस ई से तो सभी शुरू हो रहे हैं, देखिएगा एस ई एस ई एस ई एस ई और एस ई, तो इसमें एल है, इसमें भी एल है,
इसमें एल नहीं, इसमें भी एल है और उसमें डबल एल है। तो देखिए इसमें एल के बाद में ई है, एल के बाद में ई है, इसमें एल के बाद में डी है, उसमें एल के बाद में एफ है, उसमें एल के बाद में एल है। तो एल के बाद में सबसे पहले एस ई एल, एस ई एल सब में है, उसमें डी है और इसमें एफ है, तो सबसे नंबर एक पर आएगा हमारा दूसरा, दो से शुरू। ठीक, दो से शुरू होने के बाद में इसमें डी है और इसमें ई है और इसमें एफ है और उसमें एल है, तो दूसरे नंबर पर आएगा हमारा ये। तो क्या हो गया, दो एक, दो एक से कौन सा विकल्प है, दो एक से दो विकल्प है, एक ए है और एक सी है। उसके बाद चेक कर लेते हैं, इसमें ई एन है, इसमें एफ आएगा, उसमें एल है, तो इसमें आएगा फिर ये चार, दो एक चार, दो एक चार। उसी में आप देखिए इसमें ई, इसमें आएगा पाँच, इसमें आएगा पाँच। उसके बाद में हमारा क्या बचा, एस ई एन डी बचा, इसमें थ्री आएगा, तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, 54453। तो भैया दोनों विकल्प एक जैसे हैं, दोनों विकल्प एक जैसे हैं, तो ए और सी, ए एंड सी आंसर, ए एंड सी आंसर। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ी है, उसके बाद आगे बढ़ी भैया, देखिएगा एक्शन ये कौन सा आएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, इसमें ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू ए एन ए एन, सबसे पहला आएगा पाँच, काम खत्म। उसके बाद में ए यू जी ए यू सी ए यू एन ए यू पी, तो दूसरे नंबर पर आएगा हमारा ये। उसके बाद ए यू एन ए यू जी ए यू पी, उसके बाद में आएगा वन, इसका काम खत्म। उसके बाद में ए यू एन, इसमें बाद में आएगा थ्री और ये आएगा चार, तो क्या आएगा 521 34। तो ये हो गया भैया आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भैया, देखिएगा देखिएगा नेक्स्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। देखिए डक डव डम डॉग डिंग, इस तरह से हम शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है जी, तो आइए भैया आइएगा, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो डी यू डी ओ डी यू डी ओ सी और डी आई एन डी आई एन, तो सबसे पहले जो आएगा हमारा पाँच ही आएगा, पाँच आएगा। उसके बाद डी डी ओ सी, इसमें फिर चार आएगा, उसके बाद में फिर डब आएगा दो, उसके बाद में डी यू एम बी डी यू सी डी यू सी एक आएगा, फिर तीन आएगा, तो 542 13 542 13 542 13 542 13 आंसर हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए भैया, नेचर नेक्स्ट नेचर नेपच्यून, इस तरह के शब्द हैं, भी जो है शब्दकोश के अनुसार से व्यवस्थित करना है। इसमें एन ए सी एन ए टी एन ए सी एन एस्ट एन ए आर और एन ए पी, तो एन ए सी वाला पहला आएगा, दो से शुरू करेंगे। उसके बाद एन ए टी है, इसमें एन ए एस है, इसमें एन ए आर है, इसमें एन ए पी है, इसमें तो सबसे पहले फिर दो पाँच आएगा, तो ये हो गया काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। एन ए एस टी एन ए टी एन ए एस एन ए आर, तो फिर चार आएगा, इसका काम खत्म हो गया। इसमें एस है, इसमें टी है, तो तीन आएगा और ये फिर वन आएगा, तो 5 254 31 254 251 31, इसका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है भैया, इसका बी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार, शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से पांचवें स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, निम्नलिखित में से पांचवें स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो पांचवें स्थान पर बताना है भैया, तो एल ई ए एल ई ए एल ई ए एल ई ए, ठीक है, तो एल ई तो सब में कॉमन है, ये तो सब में एक जैसे हैं, एल ई ए एल ई ए
एल ई ए और एल ई ए, तो बताइए अब इनके पास हमें बचा के एल एन डी और एफ। तो सबसे पहला डी आएगा, फिर एफ आएगा, ठीक है, उसके बाद में के आएगा, फिर एल आएगा और फिर एन आएगा। तो एक दो तीन चार पाँच, तो सबसे बाद में क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, देखिए नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश के अनुसार मध्य स्थान पर आएगा, शब्दकोश के अनुसार मध्य स्थान पर आएगा, यानी दो चार, दो और दो चार एक पाँच, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, पाँच मतलब शब्दकोश का मध्य माने का मतलब है तीसरे स्थान पर कौन आएगा शब्दकोश के अनुसार। तो के ई ए है इसमें, के ई ई यानी शुरू के दो अक्षर तो सब में एक जैसे हैं, शुरू के दो अक्षर तो सब में एक जैसे हैं, शुरू के दो अक्षर तो सब में एक जैसे हैं। उसमें जी है, पहले ए आएगा, फिर डी, फिर आएगा आपका डी, फिर आएगा जी और फिर आएगा एन और फिर आएगा वाई। तो बीच में कौन सा आएगा, जी वाला, तो जी किस में आ रहा भैया, जी आ रहा है ए, तो ए आंसर हो गया, आंसर ए, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिम्मली शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, इन्वायरमेंट से नहीं बनेगा। तो देखिए ई इसमें भी है, एन भी है, ई एन भी है और टी भी है और आर भी है, आर भी है, आर भी है और ए इसमें कहीं भी ए नहीं है और इसमें ए है, तो इसलिए इसका प्रयोग करके नहीं बना सकता। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब ये आंसर क्यों नहीं है, ये आंसर बन सकता है क्यों, ई एन टी आर, ई एन टी ई आर बन जाएगा, ठीक है, प्रयोग करके ई एन टी ई आर, डबल ई है हाँ है, एन भी है हाँ है, टी है हाँ है, आर है हाँ है, तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। और मोमेंट एम ओ, एम ओ बी ई, एम ई एन टी, ये भी बन जाएगा, डी एम आई, डी एम आई एन ई एन टी, ये भी बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन, नहीं बनेगा तो ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखिएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक बाइंडिंग से कौन सा शब्द बनेगा, देखिए पहला बन जाता है क्या, डी आई डबल जी आई एन जी, इसमें तीन बार जी आ रहा, ये नहीं बनेगा, बी ओ एन डी आई एन जी, बी ओ एन डी, बी ओ एन डी आई एन जी, ये बन जाएगा, डी आई एन, डी आई एन, डी आई एन आई आई एन जी, ये भी बन जाएगा, डूइंग डी ओ आई एन जी, ये भी बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ये हो गया आपका आंसर, ये सब नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आगे, इंस्टीट्यूट, ये हो गया इंस्टीट्यूशनलाइज से कौन सा शब्द बनेगा या नहीं बनेगा, तो ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कौन सा शब्द बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा आई एन टी यू टी आई एन, आई भी है, डबल टी भी है, एन भी है, यू भी है और टी आई ओ एन, ये भी हैं, दो आई भी हैं, ठीक है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखिएगा ये बन जाएगा, आई भी है, देखिए आई भी है, एन भी है, टी यू टी आई ओ एन, ये डबल टी भी है, बन जाएगा। फिर न्यूट्रिशन, एन यू एन यू टी आर आई आर, इसमें कहीं भी आर नहीं है तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। टी यू आई टी आई ओ एन, ये भी बन जाएगा, और आई एन एस यू आई एन एस यू, ये भी बन जाएगा, तो ये नहीं बनेगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट आगे देखिएगा, स्टिमुलेशन कौन सा बनेगा, एस टी ए, एस टी ए टी आई ओ एन, ये भी बन जाएगा, एन ए टी आई ओ एन, एन ए
ए नहीं है ये नहीं बनेगा, इसमें कहीं भी ए तो है बन जाएगा, नेशन भी बन जाएगा, एन ए एन ए टी आई ओ एन ये भी बन जाएगा, एम ओ सी एम ओ टी आई ओ एन मोशन, एम ओ टी आई ओ एन डबल ओ नहीं है ये नहीं बनेगा, एम ओ यू टी एच एम ओ यू टी एच एम ओ यू टी एच इसमें देखिए अब आप आंसर कौन सा लगाओगे, इसमें कहीं भी आप देख लो एच नहीं है, इसमें कहीं भी एच नहीं है तो ये नहीं बनेगा, इसमें कहीं भी एच नहीं है, स्टेशन बन जाएगा, नेशन बन जाएगा, मोशन भी बन जाएगा क्योंकि ओ तो है इसमें है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होगी आंसर करने की आपकी ये वाली होगी क्योंकि इसमें कहीं भी एच नहीं है, ठीक है, इसमें ओ तो है लेकिन डबल ओ नहीं है, लेकिन ओ तो है लेकिन इसे नहीं लगाएंगे आप, इस आंसर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखिएगा मिसअंडरस्टैंड, टेंट टी ई एन टी ई एन टी डबल टी नहीं है तो ये नहीं बनेगा, उसके बाद सैंड एस ई एन डी ये बन जाएगा, एस ई एन टी एस ई एन टी ये भी बन जाएगा, एम ई एन डी एम एम ई एन डी ये भी बन जाएगा, तो नहीं बनेगा तो टेंट नहीं बनेगा, आंसर हो गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो देखिए कन्फर्म सी ओ एन एफ सी ओ एन एफ ई नहीं होगा, सी ओ एन सी ओ एन सी ओ एन जी यू जे इसमें नहीं है ये भी नहीं बनेगा, उसके बाद फिंगर एफ आई एन जी ई इसमें नहीं है ये भी नहीं बनेगा, जी ओ ए टी जी ओ ए टी ये बन जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए भैया मल्टीप्लिकेशन कौन सा बनेगा, एम यू टी यू ए एल एम यू टी यू तो डबल यू नहीं है तो नहीं बनेगा, लिमिटेशन एल आई एल आई एम आई एल आई एम आई टी ए टी आई ओ एन लिमिटेशन ये बन जाएगा, इसमें कितने आई हैं तीन आई हैं और इसमें कितने आई हैं एक दो तीन आई हैं, इसमें टी कितने हैं इसमें दो टी हैं ठीक है, ए कितना है ए एक बार ये है, एन कितना है एन भी जो है एक ही है तो लिमिटेशन ये बन जाएगा। उसके बाद में एप्लीकेशन ए डबल पी डबल पी नहीं है एन ओ टी आई ओ एन एन ओ टी आई ओ एन डबल ओ नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है समझ गए आप, ये भी नहीं बनेगा समझ गए, ठीक है आगे देखिए भैया, आगे देखिएगा नेक्स्ट, देखिए भैया रीजनिंग, तो आर ई ए एल नहीं बनेगा, सिंग एस आई एन जी ये बन जाएगा, रेशन आर ए टी आई ओ एन आर ए टी नहीं बनेगा, टी नहीं है एस यू एन ये भी नहीं बनेगा, तो ठीक है तो बस आंसर क्या बनाया जा सकता है, सिंग बनाया जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आगे, आगे देखिएगा भैया न्यूट्रलाइजेशन से कौन सा बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा, तो देखिएगा भैया आर ई ए एल आई एस ई आर ई आर ई आर ई आर ई इसमें कहीं भी नहीं है नहीं बनेगा, टीयर्स इसमें भी ई नहीं है कहीं भी
तो नहीं बनेगा। टूटर टी यू, इसमें कहीं भी यू नहीं है तो नहीं बनेगा। एन आई टी ई, एन आई टी ई, ठीक है। इसमें एन ए टी यू आर ए एल आई एस, इसमें भी ई है, ये भी नहीं बनेगा। टी यू, यू भी नहीं है इसमें, ये भी नहीं बनेगा, इसमें ई भी नहीं है। तो देखिएगा कोई भी, कोई नहीं आंसर होगा विकल्प में, वो आंसर करेंगे आप, ठीक। उसके बाद देखिएगा, देखिए भैया, निम्न अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो अक्षर एम के ठीक बाई और कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो जब विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो यहाँ एम, तो एम जो होगा, एम यहाँ होगा और एम एल के जे ऐसे करके लिखेंगे, ये होगा आपका लेफ्ट और ये होगा राइट। तो आपसे पूछा है कि एम के ठीक बाई और कौन सा अक्षर होगा, तो एल होगा, तो एल हो गया आंसर, कुछ नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट आगे देखिए भैया, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, दाईं ओर से, ये दाईं ओर से 19वां अक्षर, दाईं ओर से 19वां अक्षर, तो दाईं ओर से 19वां अक्षर ये होगा, सॉरी, दाईं ओर से, दाईं ओर से 19वां अक्षर, तो दाईं ओर से 19वां अक्षर जो होगा, आप जानती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, दाईं से 19वां अक्षर होगा एच अक्षर, और बाईं ओर से 14वां अक्षर, बाईं ओर से 14 होगा, ये बाईं होता है, ये राइट होता है, बाईं से 14वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये होगा, एन होगा। के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, तो ठीक बीच में जो अक्षर होगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। इनके ठीक बीच में अक्षर कौन सा होगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, कितना होगा, के होगा, ये वाली बात है, ठीक। देखिए दाहिने से 19, बाएं से 14, और ये क्या होगा, बाएं से 27 मिनट घटाएंगे तो कितना होगा, 27 मिनट घटाएंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, 8 बचेगा, 8 और 14 कितना होगा है, जोड़ो 22, 22 को 2 से भाग कर दो 11, 11 में क्या है, के, ठीक है। तो आपको मैंने क्या समझाया, अगर आपको शॉर्ट में करना है क्वेश्चन तो एल प्लस एल बटे 2 कर देना, एल प्लस एल 2 कर देना, देखिएगा ये तो बेसिक से कर लो, या एल प्लस एल बटे 2, तो ये 19वां है दाहिने से, तो बाएं से कितना होगा 8वां, और ये कितना है 14, 14 बटेगा 2 कितना हो गया 22 बटेगा 2 बराबर 11, 11 का क्या होता है कि, अगर आपको इसे बेसिक शॉर्ट में करना है तो ऐसे, बाकी तो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है उसमें चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा, ए जेड के स्थान पर चला जाए और जेड ए के स्थान पर चला जाए, बाई बी के स्थान पर चला जाए और बाई ए के स्थान पर चला जाए, इसी प्रकार अक्षरों के आपस में क्रम पर जाए, तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, अलट पलट करना है तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, दो दो अक्षर चेंज होंगे, तो देखिए भैया, देखिएगा, देखिएगा ये लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, ए जेड के स्थान पर चला जाएगा, तो देखिए उल्टा करना है, यहाँ जेड आ गया, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ जेड आ गया तो यहाँ ए आ गया, ठीक। अब बाई, यहाँ बाई आ गया तो यहाँ बी आ गया, अब यहाँ आपका एक्स आ गया तो यहाँ सी आ गया, ठीक है, ठीक है, उल्टा ही तो हो गया, ए बी सी डी ई एफ, देखिए देखिए भैया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक
ठीक है, एम हो गया, इसका उल्टा था यहाँ जेड, इसका उल्टा था हमारा वाई, एक्स पी डब्ल्यू बी यू टी एस और ये आर क्यू टी ओ एन। तो दाएं से तेरहवां अक्षर कौन सा होगा, ये लेफ्ट और ये राइट। तेरहवां अक्षर जो होगा गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ठीक है। तेरहवां अक्षर जो होगा ओका होगा, एम इधर आएगा एन, तो क्या होगा एन होगा, क्या होगा एन होगा, ठीक है। मतलब चेंज कर लेंगे बस, आपसे अगर पूछेगा स्थान क्या चेंज होगा, एम का स्थान एन तो ले ही लेगा। शॉर्ट में देखिए, जब ए ने जेड का स्थान लिया तो 27 में से घटाया आपने, जहाँ ए था वहाँ आप 27 में से एक घटाया तो 26 आया, और जहाँ पर आपका बी था वहाँ पर 25 आया, यानी 27 में दो घटा के आया। उसी तरह से 13 है तो 13 को 27 में घटाइए, कितना आएगा 14 आएगा, 14 का क्या होता है एन, एन आंसर, ठीक है। तो आज भैया आपके अंग्रेजी वर्णमाला के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू।